शिबनाज यानी कि सिद्धार्थ और शहनाज। भाई ये नाम एक ऐसा नाम है जो कभी भी अलग नहीं लिया जाता, इस नाम को हमेशा एक साथ लिया जाता है। यूँ तो हमारे बीच सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है, लेकिन अभी भी वो इमोशनली सबके साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों बात करें बिग बॉस 13 की, तो इस जोड़ी ने खूब कमाल किया था, सभी फैंस का दिल जीता था। यही वजह है कि ये जोड़ी आज भी सभी के दिलों पर राज करती है, और इस जोड़ी का जिक्र हर बिग बॉस के सीजन में होता है, साथ ही साथ OTT सीजन्स में भी होता है। जी हाँ, चाहे बिग बॉस 14 हो, 15 हो, 16 हो, या OTT का सीजन 1 हो, या फिर कहें कि OTT का सीजन 2 हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल हुआ यूं, बेबिका को घर के साथ कंटेस्टेंट नॉमिनेट कर देते हैं, जिसके बाद वो काफी अपसेट नजर आती हैं और मायूस होकर कोने में बैठ जाती हैं, जिसके बाद उनके पास मनीषा रानी जाती है और उन्हें समझाती हैं और उनसे ये कहती हैं कि तू अपसेट मत हो। तूने देखा था ना बिग बॉस 13 में शहनाज गिल कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट और एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट थी, और इस बात को बाकी के सभी घर वाले जानते थे, जिसकी वजह से शहनाज को हर बार हर कोई नॉमिनेट कर देता था। लेकिन क्या वो निकली? वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनी रही और घर से बाहर नहीं गई। यही वजह है, जो घर में सबसे ज्यादा मजबूत होता है उसे सब नॉमिनेट करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद बेबिका मनीषा की बात को समझी। वेल दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात मनीषा रानी ने एकदम सही कही है। ये तो हम सभी ने देखा था कि शहनाज गिल कितनी एंटरटेनिंग और स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट थी। वेल अब देखना होगा कि इस सीजन में आगे क्या होने वाला है। आपके इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।